हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपके भाई के यूट्यूब चैनल हेल्प फॉर टेक में आप सभी का स्वागत है। आपका दोस्त रोस्ट रवि। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हमारा जो न्यू इंट्रो है, जो स्टार्टिंग है, वो कैसा लगा। जो मैं कुछ थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइन से बनाया है नॉर्मल से, और ये है चुलबुली मेरी बेटी, आप सभी लोग की भतीजी। हाय टाई, हाय करो, हाय करो इधर, हाय। तो बाय कर रही है, हाय नहीं करी, बाय बाय। अच्छा, सामने सामने सब लोग को टाटा करो, टाटा। अरे वाह, बाय। तो ये है चुलबुलिया आरवी भारद्वाज। थोड़ा सा भी रोना नहीं है, लेकिन ये नौटंकी कुछ ज़्यादा करती है मैडम। तो चलिए, आप जाइए उधर, जाइए मम्मा। दोस्तों, BSNL 49 रुपये में, मात्र 49 रुपये में आपको दे रहा है 180 दिन की वैलिडिटी और कॉलिंग, उसके बाद डेटा, उसके बाद मैसेज, तीनों काफ़ी बढ़िया प्लान के साथ आया है BSNL। लेकिन अभी ये टेस्टिंग पीरियड में सारे जगह नहीं, केवल मध्य प्रदेश के लिए आया है। इस प्लान का नाम है PV49। इस ऑफ़र में क्या है, 9 दिनों तक आपका अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग डेटा रहेगा, उसके बाद 1 GB डेटा रहेगा 15 दिन के लिए, उसके बाद वैलिडिटी रहेगी 180 दिन के लिए। तो बहुत ही जल्द अपना सरकारी जो ब्रांड है वो जिंदा होगा, और काफ़ी अच्छा इसका सर्विस भी है। मैं भी पर्सनली आपको BSNL का यूज़ कर रहा हूँ। इसके जो 3G है, 3G केवल 3G, मेरा जो लोकेशन है उस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, केवल 3G जो है 4G की फाड़ देने वाला है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त 3G इसका काम करता है कि 4G वालों को 4G कहने पे शर्म आनी चाहिए थी, जितना बढ़िया ये इसका जो 3G काम करता है। बोले आपके लिए एक दिन मैं एयरटेल का 4G और उसका 3G नॉर्मल नेटवर्क पे डाउनलोड करके दिखाऊंगा, कितना स्पीड डाउनलोड होता है एयरटेल का और कितना होता है BSNL का। तो BSNL अपना भले ही सरकारी है और भले ही पुराना था इसका कि भाई साहब नहीं लेगा, तो वैसा नहीं है, सरकारी है, तो इसलिए थोड़ा सा घाटा में है, लेकिन सर्विस अच्छी है और मुझे तो बढ़िया लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी खबरों की ओर। दोस्तों, अभी LG ने काफ़ी आक्रामक रूप से लगभग 3-4 मॉडल लॉन्च किए हैं। LG थिंक सीरीज़ तो आ ही रही थी, W सीरीज़ भी आ रही है, अब LG का K सीरीज़ आ रहा है। K40S एक नया मॉडल लॉन्च किया करने वाला है, जो कि आपका 2 GB और 3 GB रैम में रहेगा और 6.3 इंच का डिस्प्ले के साथ रहेगा, और ये बजट फ़ोन रहेगा। आई थिंक 10,000 के अंदर ही रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो यही है, बाकी अब उनका क्या है क्या नहीं। तो लॉन्च कर रहा है, और इसमें डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट के साथ जो एक्स्ट्रा एक बटन दिया हुआ है, जो कि गूगल असिस्टेंट के साथ रहेगा। और पता नहीं कितने भाई गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं नॉर्मल डे लाइफ में। यहाँ तो हेलो गूगल, ओके गूगल कोई तो बोलता नहीं है, हर कोई का भाई हाथ का स्पीड काफ़ी तेज़ है, तो टाइप कर लेता है जितना बोलने में होगा। तो दिया है बट कोई काम का है नहीं वैसे। और इसमें 3500 mAh की mAh की बैटरी रहेगी, उसके बाद आपका 13 MP बैक और 5 MP का डुअल सेंसर रहेगा बैक में, और फ्रंट 13 MP का सेल्फी कैमरा रहेगा। अब देखते हैं कि कीमतों का कोई खुलासा तो है नहीं, लेकिन मे बी अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में आपको दिख जाए अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे इसका बैनर पोस्टर जो भी है, क्योंकि 80% कंपनी जो है सारा ऑनलाइन ही ला रही है, ऑफलाइन वालों को तो मार दिया इन्होंने, उसमें मैं भी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे खबर की। तो 5G तो बहुत हम लोग सुन रहे हैं, बट 5G फ़ोन्स आ भी जाएं तो क्या फ़ायदा, 5G नेटवर्क तो है ही नहीं अपने, अभी तो टेस्टिंग पीरियड में ही चल रहा है। और 5G नेटवर्क का क्या करना, 4G तो ढंग से चल नहीं रहा है, तो 5G क्या चलेगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीवो अभी तक का सबसे सस्ता 5G वेरियंट का फ़ोन लाने वाला है, जो कि परफॉर्मेंस में काफ़ी बढ़िया है, और वो सीरीज़ है IQOO, क्योंकि बहुत पहले से हम इसका नाम सुन रहे हैं IQOO सीरीज़ का, और काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ ही आने वाला है। 855 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, बैक में आपको 48 MP का रियर प्राइमरी कैमरा रहेगा, 13 MP का सेकेंडरी कैमरा रहेगा, और थर्ड कैमरा रहेगा आपका 12 MP का। और सबसे इसमें तगड़ी बात यह है कि 128 GB, 256 GB और आपका 512 GB में का इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, और रैम की बात की जाए तो 8 GB और 12 GB। भाई अब मोबाइल का कंपैरिजन लैपटॉप से कुछ दिन में होने लगेगा, इतना हैवी रैम दिया जा रहा है।
और ये प्योर परफॉर्मेंस बेस पे फ़ोन होगा, गेमिंग फ़ोन होगा और 5G वेरिएंट होगा। इसका एक नॉन 5G वेरिएंट भी आएगा जो कि और सस्ता रहेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि ये अभी इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, ये चाइना में लॉन्च होने वाला है जो बहुत जल्दी, और इसका आपको बताया जाएगा कि क्या प्राइस होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, जो मेनली प्राइमरी तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका। हाँ दोस्तों, इसमें आपका 4410 mAh की पावर फुल बैटरी रहेगी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ रहेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो कॉमन होगा ही होगा। उसके बाद इसमें आपका 44 वाट का चार्जर होगा जो कि बूम चार्ज करेगा, वूक चार्ज नहीं, बूम चार्ज करेगा। बूम चार्ज करने का मतलब कि इतना अब चार्जर आ रहा है, अब तो 100 वाट का भी चार्जर को के बारे में सुना जा रहा है कि 100 वाट का भी चार्जर आ रहा है, अब होगा कि बस सटाएँ चार्ज हो गया, फुल बैटरी आप यूज़ करिए, तो ये हाल होने वाला है। और आगे बात करते हैं, जो 5 सितंबर को तीसरी वर्षगांठ है उसमें आपका जियो फाइबर प्लान आ रहा है जो कि मिनिमम 700 और मैक्सिमम 10,000 का है। 700 में आपका एक 1 Mbps स्पीड देने वाला है, तो इसके काफ़ी जो कंपनियां हैं, एयरटेल हो गया, टाटा स्काई, इन लोग का हालत ख़राब हुए रखा है, तो ये लोग पहले से ही अपना जो कस्टमर जो बेस इन्होंने बनाया हुआ है तो उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ कुछ आपको डेटा प्लान, कुछ आपको क्या कहते हैं HD प्लान, वो में भी आगे आपको मुफ्त में मिले, तो चलिए बढ़िया बात है, क्योंकि जियो ने जो कंपनियों के मनमानी थी, जो 1 GB का 300-300 रुपये लेते थे हम लोग से, तो वो उनकी बैंड बजा दी है। तो DTH वा जो आपका बिजनेस है उसमें भी हो सके कि जियो कुछ अच्छा करे और कुछ ऐसा प्लान लेके आए, और इंटरनेट का फाइबर से का ऐसा कुछ प्लान लेके आए जिससे कि ये लोग भी अपने लेवल पे आ जाएं, जिससे फाइनली बेनिफिट हम उपभोक्ताओं का ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्लीज़ 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 दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग का प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो यही प्यार, यही आशा की उम्मीद करता हूँ। हो सकता आपका भाई, हो सकता थोड़ा गड़बड़ हो जाता होगा, नया हूँ, लेकिन नया आप धीरे 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 आप मेरी प्रीवियस वीडियो से आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जारी रखिए, अपना प्यार बनाए रखिएगा, सबसे बड़ा चीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक शेयर अलग की चीज़ है, अपना प्यार बनाए रहिएगा।